एड्रेस क्लासेस, IPv4 एड्रेस क्या है, उसके क्लास कितने हैं और उसे कैसे लिखा जा सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं IPv4 एड्रेस से। तो पहले IPv4 जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जो 32 बिट का होता है, मीन्स उसका हर एक ऑक्टेट होता है वो 8 बिट का होता है। और ये IP एड्रेस है जो नेटवर्क लेयर पे यूज होता है एज अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में ये चेंज भी हो सकता है, अगर आप DHCP यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली भी यूज कर सकते हो। इसका मेन यूज है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्टेड है। और ये सपोर्ट करता है यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या होता है, जो 1-to-1 कम्युनिकेशन करता है उसे हम यूनिकास्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट है मीन्स 1-to-many, सपोज कोई भी PC है उसे ब्रॉडकास्ट करना है कि मेरा ये PC कहाँ पर है, तो उसे ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्ट एक ऐसी चीज़ है कि सपोज आप कहीं पे भी सेंड करते हो तो पर्सन टू पर्सन नहीं जाता और ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता, लेकिन जो उसका मेन हेड होता है उसे पहुंचा दिया जाता है मैसेज। जो हेड है वो आगे जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है उसे सेंड कर देता है, उसे हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं हम कि IPv4 के क्लास कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 क्लास है, ABCDE, और उसकी हर एक की एक रेंज दी गई है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सॉरी यहाँ से हम चेंज करते हैं। ये आता है हमारा 128 से, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, और जो ये है इसका भी मैं लिख देता हूँ अलग से नया। तो ये है हमारे 5 क्लास, जो क्लास ए की रेंज है 0 to 126। इसका एग्जांपल दिया गया है 10.0.0.0। लेकिन यहाँ पे एक जानने की चीज़ है कि सपोज जो क्लास ए है इसमें ओनली फर्स्ट 8 बिट ही जो नेटवर्क बिट कहा जाता है, बाकी के जो भी 3 बिट रहे मीन्स 24 बिट एज आप होस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह क्लास बी की रेंज है 128 to 191, उसका एक IP एड्रेस मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके सपोज पहले 8 जो क्लास ए था उसमें 8 बिट थे नेटवर्क बिट, लेकिन क्लास बी में 16 बिट है, और 16 बिट है जो पोस्ट के यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्लास सी है जो 192 to 223 तक है, जिसका IP एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से दोनों से अलग है क्लास ए और क्लास बी। यहाँ आप यूज़ कर सकते हो 24 बिट एज अ नेटवर्क बिट, मीन्स आपको 255 नोड मिल सकते हैं एज अ होस्ट। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 0 to 126 लिखा है और यहाँ से 128 to 191, तो इस बीच में एक IP एड्रेस जो रहेगा 127 सीरीज, जो यूज़ करते हैं हम लूपबैक एड्रेस। लूपबैक एड्रेस जब भी आप अपने PC में कोई भी टेस्ट करते हो, मीन्स कोई रिस्पांस आते हो, कोई टेस्ट करते हो कोई भी एप्लीकेशन, जो रिस्पांस आता है वो 127 से आता है, तो उसे हम लूपबैक एड्रेस बोलते हैं। जो क्लास डी है 224 to 239, ये यूज़ हो रहा है मल्टीकास्ट के लिए, जैसे मैंने आगे आपको बताया। और जो लास्ट में है 242 to 255, जो यूज़ हो रहा है R&D पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि IP एड्रेस के क्लास कितने IPv4 के, और उसके रेंज क्या है, और वो कैसे यूज़ करता है और क्या है उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल लर्न नेटवर्क की। थैंक यू।